राजधानी दिल्ली में एक आयुर्वेदिक स्पा सेंटर में काम करने वाली महिला स्टाफ को अपनी सैलरी मांगना महंगा पड़ गया। सैलरी तो नहीं मिली, आरोप है कि सैलरी के बदले स्पा की मालकिन न केवल अपनी स्टाफ के साथ मारपीट की बल्कि अपने कुत्ते को अपने स्टाफ पर छोड़ दिया। कुत्ते ने महिला के चेहरे को काट कर खराब कर दिया। महिला के चेहरे पर 15 टांके लगे हैं, 2 दांत टूट गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 20 दिन का वक्त लग गया, यानी 11 जून को यह घटना घटी और 2 जुलाई को पुलिस ने लोकल विधायक और एनजीओ के हस्तक्षेप के बाद केस दर्ज किया है। जो काम किया था वही सैलरी मांगने रहे और सैलरी मांगने पर उन्होंने फोन किया कि तुम काम करो। मैंने बोला मैं काम नहीं करूँगी, पहले मेरे को सैलरी चाहिए क्योंकि घर की हालात बहुत ख़राब है, राशन लेना है, मैं गरीब इंसान हूँ मैडम, मैं कहाँ जाऊँ, किराए पे रहती हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे पास अभी पैसा नहीं, उन्होंने बोला मेरे को पैसा चाहिए कैसी भी हो थोड़ी बहुत हो। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने प्यार से बुलाया घर पे, फिर भी मैं घर पे जाके मैंने बोला मेरे को पैसा चाहिए मैडम जी, घर पे मेरे को राशन लेना है, मैं कहाँ जाऊँगी, किससे हाँ भीख मांगू, मैं तो सबसे भीख मांग मांग के लेके लॉकडाउन पर चला है। फिर उन्होंने मेरे से बहुत भैंस बजे ज़्यादा, एक दो शब्द बोलते हैं तो मेरे चल जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, तो पैसा कैसे मांग सकते हैं। मैंने जबरदस्त मैंने बोला मेरे को चाहिए, फिर वहीं पे थोड़ा लड़ाई हो गया, हाथापाई हो गया, मारपीट भी हो गया, तो फिर जान बूझ के उन्होंने कुत्तों को मेरे ऊपर छोड़ दिया और जानलेवा हमला किया मेरे ऊपर। फिर जब कुत्तों ने काटा तो उसने जब ज़्यादा खून बह रहा तो मुँह दबा के रखा है, अरे चिल्लाना मत, पब्लिक आ जाएंगे, मैं फंस जाऊँ। मैंने बोला मेरे तो जान निकल रहा है, मैं तो बोल ही नहीं पा रही, मैं उस टाइम होश की होश में थी नहीं, बहुत बुरी हालत में थी, बहुत ज़्यादा खून बह रहा, दांत निकल गया और नाक के अंदर छेद हो गया, गले में भी है और आँखें के इधर बहुत ज़्यादा यहाँ पे खून बह रहा था।